आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट का क्या आउटलुक लग सकता है। आज हमने देखा कि निफ्टी में 2%, बैंक निफ्टी में 1% की डाउन ट्रेंड दिखी। 2% निफ्टी में इसीलिए दिखा चूंकि आईटी सेक्टर काफी डाउन ट्रेंड में है। इस समय मेरा व्यू मार्केट को लेकर के निगेटिव है और नेक्स्ट वन वीक तक ये थोड़ा बहुत डाउन साइड ही ट्रेड हो सकता है। अमेरिकन मार्केट देखे तो अगेन लगभग 2% नैसडेक और 1% डाउ जोन नीचे ट्रेड होते हुए दिख रहा है और आईटी स्टॉक में और भी अभी पेन दिख सकता है, तो इसमें और आईटी स्टॉक्स को लॉन्ग करने से बचना चाहिए। साथ में ये अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी यहां से अगर लेवल्स की बात करें तो 17,400 तक का इजली लेवल दिख सकता है और लॉन्ग तभी करेंगे जब 17,600 के ऊपर सस्टेन करें। बैंक निफ्टी में 17,239,800 तक का इजली लेवल दिख सकता है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग तभी जाएंगे जब ये 40,900 के ऊपर सस्टेन करता है, नहीं तो इस इंडेक्स में आप शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बाकी दो स्टॉक है जो मुझे पर्सनली लगता है कि बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। पहला स्टॉक देखेंगे तो मान इंफ्रा, मान इंफ्रा में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है और दूसरा देखेंगे सीएमएस इन्फो। ये दोनों स्टॉक्स में मोर देन 15-20% तक का रिटर्न विद इन मैक्सिमम 3-5 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है।